हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, एंड सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट हम सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट ये। अब आप देख रहे हैं आपके पास जो एक्सप्रेशन दी गई है, इसमें मिक्स फ्रैक्शंस दी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे, सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमारे पास ये मेथड है, जैसे ये इक्वेशन है, ठीक है, ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है। तो 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ प्लस 2 अपॉन में 3 आएगा, तो ये आ जाएगा 3 3 9, 9 प्लस 2 11/3। इस तरह से आपके पास ये मिक्स फ्रैक्शन जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। तो चलिए आपके पास आया यहाँ पे 11/3 माइनस 9 5 45 45, और 7 कितने हो गए, 52/9, ठीक है। अब हमारे पास ये डिवीज़न है, अगेन 13 1 13, और 2 कितना हुआ आपके पास, ये 15/13, अपॉन में चल रहा है नंबर ये 2/3। ऑफ का मतलब क्या होता है बॉड मास में, मल्टीप्लाई। तो 3 1 3 और 1 4, 4/3 डिवीज़न 1/3। अब आप जो डिवीज़न के साइन है उसको चेंज करें, बॉड मास का रूल लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हमारे पास 11/3 माइनस 52/9, बॉड मास का फर्स्ट रूल है ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, ठीक है, और डी फॉर डिवीज़न। ऑफ आपने सॉल्व कर लिया, एंड नाउ डिवीज़न 1/3 का आ जाएगा 3/1 मल्टीप्लाई 15/13, ठीक है। अपॉन में एक्सप्रेशन चल रही है ये 2/3 मल्टीप्लाई 4/3, एंड अगेन मल्टीप्लाई, नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। अब आपके पास यहाँ पे जो टर्म्स कटती हैं मल्टीप्लाई के नंबर है, तो ये तीनों के तीनों नंबर जो हैं सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, तीनों के तीनों नंबर आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15, 13 1 13, 13 4 ज़ा, ठीक है, यहाँ पे भी 3 1 3, 3 1 3, ओके। तो ये आपके पास इस तरह से आ गया। नेक्स्ट आपके पास आया यहाँ पे 11/3 माइनस 4 5 ज़ा 20। अब नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे क्या आएगा, 1, ठीक है, अपॉन में आपके पास यहाँ 2 4 ज़ा 8/3, तो 8/3 आ गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ गया 3 यहाँ पे, तो 11, अगर यहाँ पे 3 है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, ठीक है, नीचे है 8/3। अब आप माइनस करेंगे तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, 60 में से 11 माइनस गया तो कितना आया, 49 अपॉन में 3। अब ये जो टर्म है नीचे, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी, 3/8 आ जाएगा, कैंसल। अब 49/8 है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक्सप्रेशन जो था मिक्स फ्रैक्शन में था, ठीक है, इक्वेशन में मिक्स फ्रैक्शन, इसको भी मिक्स फ्रैक्शन करेंगे। कैसे, 49 को डिवाइड किया आपने 8 के साथ, 8 8 ज़ा 48 1, तो इसको लिखते हैं हम, 1 आता है ऊपर, नीचे आता है आपके पास 8, क्या आता है नीचे, 8। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया, सॉरी 8 6 ज़ा 48 होता है, तो यहाँ पे 6 आ गया, तो नेगेटिव साइन चल रहा था आपका, ये आ गया आंसर, फर्स्ट ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अभी आप करेंगे फर्स्ट वाला क्वेश्चन, चलिए ये आप रब कर देते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, तो ये भी आपके पास क्वेश्चन बॉड मास का है, 4 4 1 डिवीज़न का साइन 270 डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवीज़न का साइन 3/7 ऑफ 35 प्लस 17। अब ये साइन है, इसको हम ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस इस ब्रैकेट को भी आप सॉल्व करेंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन है 8 2 ज़ा 16 और 17/2 माइनस हमारे पास है 5/2,
ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। ओके बेटा, अब आप क्या करेंगे, अगेन हमारे पास पहले ब्रैकेट वाले नंबर सॉल्व होते हैं, उसके बाद ऑफ सॉल्व होता है, उसके बाद डी डिवीज़न। ठीक है, 270 डिवाइडेड बाय 3/7, यहाँ पे ऑफ आ जाएगा 35 प्लस, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, 17 3 होता है 51। ठीक है, हमारे पास आ गया यहाँ पे माइनस, इसको सॉल्व कर लेंगे आप, आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में 2 ही चल रहा है तो एलसीएम 2 ही आया, 17 - 5 होता है आपके पास 12/2, तो ये कैंसिल भी हो जाता है, 2 1s are 2 and 2 6s। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे भी हमारा जो सिंपली ऑफ, पहले डिवीज़न से पहले ऑफ सॉल्व होएगा, तो वो भी आप कर लेंगे, 7 1s are 7 7 5s are 35। ठीक है, 4 4 1 डिवाइडेड बाय 270 डिवाइडेड बाय 3 5s are, यहाँ पे हो गया आपके पास कितना, 15 + 51 - 6, ये आया आपके पास नंबर। अब यहाँ पे पहले डिवीज़न सॉल्व होगी, फिर नेक्स्ट नंबर, 270 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो 15 1s are 15 15 8s are, रिमेनिंग बचा था 120। ठीक है, तो +51 - 6, अब ये प्लस वाला नंबर हो जाएगा फर्स्ट, ये आ जाएगा आपके पास 1 और 8 9 6 ब्रैकेट -6, तो ये आ जाएगा 4 4 1 डिवाइडेड बाय 63, 4 4 1 डिवाइडेड बाय 63। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 7 7 3s are 21 7 6s are 42, तो 7 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आया इसमें। आपके पास बेटा थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, तो आपको ये बॉर्ड मास का ही क्वेश्चन दिया गया है, इसको सिंप्लीफाई करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, सिंप्लीफाइड द वैल्यू ऑफ दिस, तो पहले आप फोर्थ कर लीजिए। चलिए, आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है, ये इक्वेशन दी गई है। ठीक है, तो हमारे पास 1.0025 + 6.25, आप सभी नंबर को पॉइंट की फॉर्म में ले लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 10^-6 है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी गई है, तो हम इसकी क्या करेंगे, यूजल फॉर्म लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10^ नेगेटिव है, तो अगर नेगेटिव फॉर्म होती है तो हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट की तरफ, ये कौन सी साइड है आपके पास, ये राइट है, ये लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ ज़ीरो इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो 0.000625, कितने ज़ीरो इंक्रीज होने थे, 6, बट एक आप देख रहे हैं ऑलरेडी पॉइंट में है, तो इसलिए ये पॉइंट जो है उस ज़ीरो से कट हो गया। ठीक है, तो इसलिए 5 पॉइंट आपके पास आए। अब नीचे आपके पास ये वैल्यू देख रहे हैं आप प्लस की फॉर्म में, तो आप इसको प्लस करेंगे। बेटा प्लस भी करने में कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे, 0.95 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हमारे पास 0 पीछे से ही करेंगे, 2.59, ये इस तरह से वैल्यू आएगी, 0.9525 ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अगेन आप ऊपर भी प्लस कर लेंगे, आपके पास इसी तरह से नंबर प्लस होगा। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 5 2 6, कितने नंबर हैं ये देख रहे हैं आप, 5 और 3 8 नंबर हैं, और ये 4 नंबर है, इसी तरह से रख के आपने प्लस करना है, 6 2 5, 3 नंबर आ गए ये आपके पास, और ये 3 नंबर, सॉरी ये 3 नंबर नहीं आएंगे। देखिए कैसे होगा ये प्लस, ये भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसमें भी मिस्टेक्स होने के चांसेस है। 1.0025 आपके पास है, 0.0000625 इसको आप प्लस करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये नंबर आएगा। ठीक है, चलिए अब आपके पास 1.0025062502595, ठीक है, तो इस तरह से आपके ये नंबर सॉल्व होंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी है, 4 डिजिट से पहले पॉइंट, तो ये आप कट कर देंगे। ठीक है, हमने ये कट कर दिया,
तो ये वाला नंबर जैसे है ये फोर डिजिट पीछे हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा आपका। क्लियर है बेटा? अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो आप डिवीज़न ट्रिक है वो अप्लाई नहीं हो पाएगी, बहुत बड़ा नंबर है, तो आप सिंपली इसको डिवाइड कर लेंगे, वो ज़्यादा इजी रहेगा आपको। ठीक है, वो उससे ज़्यादा इजी रहेगा ट्रिक लगाने से। ठीक है, तो हमारे पास ये नंबर आ गया, ज़ीरो हटा दो, 525। तो आप देख रहे हैं फोर नंबर ये हैं, फाइव नंबर ही लेके चलेंगे तो ये वन से ही आएगा, 9525। ठीक है, माइनस आपने किया 0 0, 10 में से 5 गया 4 आ गया, 9 में से 9 0। क्लियर है बेटा? ये नंबर आया, फिर आपने 0 उतारा तो ये नंबर इससे काफ़ी कम हो गया, तो ये पॉइंट भी था, ये डेसिमल आ गया। आप एक और डिजिट उतारे हैं तो उसका 0 आता है, अगर 2 डिजिट उतारते हैं तो उसका क्या आता है, 0 आता है नीचे ऊपर। ठीक है, अब आप ये नंबर करेंगे किसके साथ हो रहा है, आपके तीन नंबर कट हो गए, 40 है ये 9 है, तो 9 से 40 कब आएगा, 9 5 45। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, आपके पास 5, यहाँ पे क्या बचा था आपके पास, यहाँ पे 10 ही बना था, 10 बना था, 10 में से 5 गया तो 5। ठीक है, 50 आ रहा है यहाँ पे, तो 9 5 45 हो जाएगा ये नंबर 9 से मल्टीप्लाई। चेक कर लो, 525 किससे कर रहे हैं हम, ये 5 से, तो 5 5 25, 5 2 10, 10 और 2 12, 5 5 25, 25 और 8 26, 5 9 45, 45 और आपके पास यहाँ पे आया था 2 45 और 2 47, तो ये नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे 47 625। माइनस किया 1 आ गया, 10 में से 2 गया 8 आ गया, फिर 9 में से 6 गया 3 आ गया, 9 में से 7 गया 2 आ गया आपके पास, यहाँ पे 0। ठीक है, अब आपके पास 2 उतरेगा नीचे। ओके, अब आप देख रहे हैं तीन नंबर छोड़ के, ये है 23, ये है 9, तो बेटा हमारे पास 2 से ही होगा, ये 2 से करेंगे आप, 2 5 ज़ा यहाँ पे आ जाएगा 10, और 2 2 ज़ा 4, 4 और 1 5, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 9 ज़ा 18, 18 और 1 19, ये आ गया 2 आ गया आपके, 11 में से 5 गया 6, यहाँ पे आ गया 7, और यहाँ पे 13 में से 9 गया आ गया 4, तो नीचे ऊपर उतरा ये नंबर, देखिए सेम है ये वाला, किससे हुआ ये नंबर, 5 से हो जाएगा। ठीक है, 4 7 0 2 5, 5 से हो गया आराम से। ठीक है, 0 आ गया नीचे, तो हमारे पास ये नंबर, ये आंसर आ गया आपका। ओके, तो क्योंकि ट्रिक लगाने में भी इतना ही टाइम लगना था जितना हम इजीली ये सॉल्व कर दिया, 1.0525, तो ऑप्शन आपका आ गया बी वाला। ठीक है, अभी आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd वाला। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 3rd बेटा बोर्ड मास का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखिए जो अंदर की ब्रैकेट हैं वो सॉल्व होगी यहाँ पे, तो मतलब ये वाली ब्रैकेट जो है आपकी सॉल्व होने वाली है, 8 माइनस 8 माइनस, ये भी ब्रैकेट सॉल्व हो सकती है। ठीक है, ये भी आप ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, 13 आ गया माइनस, और हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, 8 8 16, 16 में से 5 गया कितना आया, 11। ओके, प्लस 10, 8 माइनस, अभी नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट पहले अंदर की सॉल्व होगी उसके बाद माइनस, 11 प्लस 11 माइनस का प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 11 में से 8 गया कितना आया, माइनस 3। ठीक है, प्लस 10, 8 माइनस 8 माइनस 13, अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके प्लस, 3 प्लस 10, 8 माइनस, अब आपके पास प्लस वाली टर्म है, ये 10 और 8 18 18 और 3 21 21 में से 13 जाएगा। ठीक है, 8 माइनस, माइनस किया आपने कितना आया, 8, आंसर आ गया आपका 0, तो आपका जो ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।